दहेज नाम के हमारे इस्लाम में तो कोई कानून ही नहीं है। हमारे आका ने अपनी बेटी की जब शादी की थी ना, मिट्टी के बर्तन दिए थे, वो एक सुन्नत है। तो दहेज में तो बस वो बर्तनों की हम आका की सुन्नत अदा करते हैं, वो उनसे आका की मोहब्बत हम जाहिर करते हैं। बाकी हमारे इस्लाम में तो दहेज का तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। सब टीवी पर आ चुका है मैडम। बोला क्या समझा? मैंने कितनी कस्में दी उसको कि तेरा इतना मुबारक नाम है, ऐसा अम्मा ऐसा रदीरनों का मुबारक नाम है बेटा, उस मुबारक नाम की लाज रख। कलाम पाक की कसम दी, गौश पाक का वास्ता दिया मैंने, मेरी बीवी ने, जो यहाँ गुजराती न्यूज़ पर उसकी क्लिप भी चल चुकी है। मैं तो अब एक ही चाहता हूँ यार, हिंदू मुसलमान के लिए बहुत लड़े यार। अब मेरी आयशा चली गई, नहीं आएगी वो, मुझे भी पता है वो नहीं आएगी। उस जालिम को जेल क्या, उसको फांसी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। अरे वो जहाँ की सारी बेटियां मेरी आयशा, उनको बचा लो बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे अब और कुछ मत पूछो आप, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत लड़ लिया यार हिंदू मुसलमान यार, बेटी के लिए लड़ो यार, बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत भरने दो। इन लोगों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए जो मर्डर केस में होती है, तभी कुछ चेंज आएगा लोगों में, वरना लोग दिन ब दिन इंसान की जगह हैवान बनते जा रहे हैं ये चीज में।